देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो फैसला लिया है वो कांवड़ियों की भावना, उनकी आस्था को देखते हुए लिया है, सुरक्षा की दृष्टि से लिया है। ये फैसला बिल्कुल सही है। आखिर कांवड़ियों के साथ धोखा करना क्यों चाहते हैं? हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली में सभी सरकारों से, सभी मुख्यमंत्रियों से ये निवेदन करना चाहता हूँ, खासतौर से बिहार की सरकार से, कि जो फैसला उत्तर प्रदेश की सरकार ने लिया है उसी तरह का फैसला ये सभी राज्यों की सरकारें लें और कांवड़ियों की पूरी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। केजरीवाल जी की सेहत का, उनके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा जाए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी चुने हुए मुख्यमंत्री हैं और सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं। मैंने किसी भी राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन नहीं किया है, मैंने नरेंद्र मोदी जी के विचारों को ज्वाइन, नरेंद्र मोदी जी की शख्सियत को ज्वाइन किया। मैं नरेंद्र मोदी के साथ किसी भी कीमत पर, एट एनी कॉस्ट। हम सनातन संस्कृति, सभ्यता और धार्मिक शास्त्रों से खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। मैं भारत के गृह मंत्री और भारत के प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन करना चाहता हूं कि केजरीवाल जी की सेहत का, उनके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा जाए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी चुने हुए मुख्यमंत्री हैं और सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं और इसके साथ साथ उनके देश में करोड़ों फॉलोअर हैं। उनका स्वास्थ्य, उनकी सेहत, उसका ध्यान रखा जाए। इससे ज्यादा साफ और क्या कहूं? मैंने किसी भी राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन नहीं किया है, मैंने नरेंद्र मोदी जी के विचारों को ज्वाइन किया है, नरेंद्र मोदी जी की शख्सियत को ज्वाइन किया है। मैं नरेंद्र मोदी के साथ हूं। देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो फैसला लिया है वो कांवड़ियों की भावना, उनकी आस्था को देखते हुए लिया है, सुरक्षा की दृष्टि से लिया है। ये फैसला बिल्कुल सही है। आखिर कांवड़ियों के साथ धोखा करना क्यों चाहते हैं? और हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली में सभी सरकारों से, सभी मुख्यमंत्रियों से ये निवेदन करना चाहता हूं, खासतौर से बिहार की सरकार से भी, कि जो फैसला उत्तर प्रदेश की सरकार ने लिया है उसी तरह का फैसला ये सभी राज्यों की सरकारें लें और कांवड़ियों की पूरी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए, क्योंकि कांवड़ एक बहुत बड़ी तपस्या है और जिस तरह उत्तर प्रदेश की सरकार ने कांवड़ियों के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की है, इसी तरह सभी सरकारें कांवड़ियों की इस तपस्या के प्रति नतमस्तक होकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। आप लगातार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं और आप काफी समय तक कांग्रेस में शामिल रहे, लेकिन कल से एक बाजार चर्चा बिल्कुल गर्म हो रही है कि आपने भाजपा ज्वाइन कर लिए, तो क्या कहते हैं इस मामले को लेकर? सच बात करना, सनातन की बात करना, राम की बात करना, शिकल की धाम की बात करना, शास्त्र की बात करना, पुराण की बात करना, क्या कोई राजनीतिक पार्टी में ज्वाइन करने जैसा है? क्या सच्ची बात करने को, शास्त्रों की बात करने को, सनातन की बात करने के लिए हमें भाजपा ज्वाइन करना जरूरी है? मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं कि मैंने नरेंद्र मोदी जी को ज्वाइन किया। साफ तौर से मैं कहना चाहता हूं वो क्यों किया है, क्योंकि नरेंद्र मोदी एक अकेले ऐसे नेता हैं इस देश में जिन्होंने सनातन संस्कृति, सभ्यता और शास्त्रों के साथ साथ भारत के गौरव को बढ़ाने का काम किया है। पूरी दुनिया आज भारत की तरफ एक अच्छी निगाहों से देख रही है। पूरी दुनिया भारत को विश्व गुरु बनाने के इस प्रयास को सफल बनाने के लिए आज नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी है। पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी को अपना नेता मान रही है।
तो जिस व्यक्ति ने भारत को गौरवान्वित करने का काम किया है, जिसने भारत के वजूद को बढ़ाया, जिसने भारत के गौरव को बढ़ाया, जिसने भारत के स्वाभिमान को बढ़ाया, जिसने सनातन संस्कृति को पूरे विश्व में उसके ध्वज को फहराने का काम किया है, मैंने उस नरेंद्र मोदी को ज्वाइन किया है। देखिए, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर किसी भी धर्म और किसी की भी आस्था का मखौल नहीं उड़ाया जा सकता है, किसी भी धर्म शास्त्र से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है, किसी की भी धार्मिक भावनाओं और उनकी आस्थाओं से खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। भगवान श्री कल्कि का अवतार संभल में होगा, भगवान श्री कल्कि का अवतार विष्णु या ब्राह्मण के यहाँ होगा, भगवान श्री कल्कि का अवतार सुमति माता के गर्भ से होगा, भगवान श्री कल्कि भगवान श्री विष्णु के अंतिम अवतार हैं, दसवें अवतार हैं, और भगवान श्री कल्कि के अवतार से पहले श्री कल्कि धाम संभल में स्थापित हुआ है। भारत के प्रधानमंत्री जी ने 19 फरवरी को उसका शिलान्यास किया है। तो भगवान श्री कल्कि कहाँ आएंगे, किससे आएंगे, कब आएंगे, ये पूरा वर्णन पुराणों में है। अब पुराणों में जो वर्णन है उसके अलग थलग जाकर के अगर कोई फिल्म बनती है तो वो हमारी धार्मिक आस्था से और हमारे धार्मिक ग्रंथों से छेड़छाड़ माना जाएगा। इसलिए हमने इस फिल्म के प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को और लोगों को नोटिस दिया है कि भाई आपका मोटिव क्या है, आप चाहते क्या हैं? क्या आप चाहते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथों में जो लिखा है उसके इधर उधर जाकर के आगे आने वाली नस्लों को, अगली पीढ़ी को दिग्भ्रमित करें? क्या आप चाहते हैं कि करोड़ों लोग जो भगवान कल्कि की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उनका अवतार होगा, उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे? क्या आप चंद रुपए, 100, 200, 500, 1000 करोड़ रुपया कमाने के चक्कर में हिंदू आस्था से खिलवाड़ करना चाहेंगे, हमारे पुराणों से खिलवाड़ करना चाहते हैं, हमारे पुराणों को तोड़ मरोड़ के पेश करना चाहते हैं? तो आखिर आप चाहते क्या हैं? ये हमने नोटिस में पूछा है, उनका जवाब आएगा, उनके जवाब की प्रतीक्षा है, उसके बाद हम अदालत की शरण में जाएंगे। लेकिन किसी भी कीमत पर, एट एनी कॉस्ट, हम सनातन संस्कृति, सभ्यता और धार्मिक शास्त्रों से खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।